बरगाड़ी बेअदबी केस में डेरा प्रमुख राम रहीम को कुछ राहत मिल गई है। 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में सीजीएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की हुई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप चोरी करने वाले केस में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई थी और इस केस में वह निचली अदालत में जमानती बॉन्ड भी भर चुके हैं, जबकि की दोनों केसों में जमानत के लिए डेरा प्रमुख ने याचिका दाखिल की हुई थी। बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल तीन घटनाएं सामने आई थी। इसमें सबसे पहले 1 जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी हुआ था। उसी साल 24 सितंबर को इसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर विवादित पोस्टर लगाया गया और कुछ समय के बाद 12 अक्टूबर 2015 को गांव बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर पावन स्वरूप की बेअदबी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।